प्रदेश कांग्रेस में चल रही खींचातान पर हमीरपुर विधायक नरेंद्र ठाकुर ने चुटकी ली है और कांग्रेस के नेताओं को एक दूसरे पर लगाए जा रहे आरोपों से कांग्रेस की कलह जग जाहिर हुई है। ठाकुर ने कहा कि एक सीएम रह चुके वीरभद्र सिंह और दूसरा प्रदेशाध्यक्ष रह चुके सुक्खू को निम्न स्तर की बयानबाजी आने वाले चुनावों में भारी पड़ेगी। वहीं नरेंद्र ठाकुर ने कांग्रेस की पूर्व सरकार पर फजूल खर्च करने का आरोप लगाया, जिसके चलते प्रदेश में करोड़ों रुपए की कर्ज हिमाचल पर है। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि आज पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह और सुक्खू के बीच निम्न स्तर की बयानबाजी से फजीहत हो रही है और इसका खामियाजा कांग्रेस को आने वाले लोकसभा चुनावों में मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के एक साल के विकास को गति मिली है, लेकिन कांग्रेस बेकार के आरोप फजूल खर्ची के लगाने में लगे हुए हैं। उल्टा कांग्रेस के समय में करोड़ों का कर्ज प्रदेश पर चढ़ा हुआ है। ऐसा जो फजूल खर्ची करते हैं उनको ये शब्द बोलने ठीक नहीं लगते हैं। ठीक है, जितनी फजूल खर्ची, जितना अंधाधुंध खर्चा, जितना नॉन प्लानिंग भी ऊपर खर्चा कांग्रेस सरकार ने किया है, और ये कांग्रेस सरकार की ही देन है कि आज हमारे प्रदेश में हजारों करोड़ रुपए का जो कर्ज है, हमारी सरकार बिल्कुल एक भी पैसा फजूल खर्च को बल्कि कट किया उन्होंने। ना हमारी मंत्रियों की इतनी बड़ी फौज है, ना हमारे चेयरमैनों की इतनी बड़ी फौज है, इवन ना पार्लियामेंट्री हमारी सरकार में बने हैं, और जहाँ भी बनाए बड़ी सोच समझ कर, बहुत कम सरकारी अहदों पे जो है नजायज भर्ती की गई है। हाँ, जहाँ जरूरी है वहाँ करना भी जरूरी है। जहाँ तक फिजूल खर्ची की बात है, पब्लिक साफ जानती है कि फिजूल खर्ची कौन करता है। वर्तमान सरकार जयराम जी की सरकार बहुत बढ़िया ढंग से पूरे बजट का सही प्रयोग कर रही है। केंद्र से अंधाधुंध पैसा, मैं समझता हूँ कि ये भी एक रिकॉर्ड है जब से हिमाचल प्रदेश अलग हुआ है कि एक साल में 9,000 करोड़ रुपये सेंटर से स्पेशल विकास के कार्यों में एक साल के अंदर आया है। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। फजूल खर्ची का तो सवाल ही पैदा नहीं है, बिल्कुल ही झूठा रूप भगवान सरकार के ऊपर है कांग्रेस वाले लगा रहे हैं। जरूर कह देना चाहूँगा कि आजकल जो कांग्रेस की नेताओं की जो आपस में दुर्दशा, जो खींचातान चली हुई है, और जो एक दूसरे के खिलाफ जिस ढंग से वो आरोप लगा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि सरकार का इसका दुवालियापन निकल चुका है और इसका खुमाचन को आने वाले इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। एक मुख्यमंत्री रह चुका और एक अध्यक्ष पार्टी का रहने के बाद आपस में जिस ढंग से और जितने निम्न स्तर से आपस में बयानबाजी कर रहे हैं, आम जनता को सोच भी नहीं सकती है। इसलिए कांग्रेस को पहले अपने आप सुधार करना चाहिए, उसके बाद दूसरे के प्रति आरोप लगाए तो थोड़ी बहुत बात जचती भी है।